स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल AJ Bankers में। तो सो दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक एयर कंप्रेसर है जिस पर हम काम कर रहे हैं, यानी जो एयर कंप्रेसर जो इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से चलता है। और उसमें हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक मोटर हटा रहे थे और उसमें बाइक का इंजन इस्तेमाल करने वाले थे। यानी क्या कर रहे थे, उसमें बाइक का इंजन से हम एयर कंप्रेसर चलाते हैं और साथ ही जो बाइक धोने वाली जो मशीन होती है, जो कार वॉशर होता है, कार धोने वाली बाइक धोने वाली जो मशीन है, वो भी उसमें अटैच करने वाले थे। वो फाइनल दोस्तों रेडी हो चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं हमने कैसे उसको बनाया है और साथ ही किन किन चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी, तो चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों फाइनली रेडी हो चुका है, जिसमें मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था, लगभग 8-10 दिन पहले ही बताया था इस वीडियो बनाने से पहले कि हम इसमें कंप्रेसर पर काम कर रहे हैं। तो फाइनली बिल्कुल रेडी हो चुका है। और दोस्तों ये जो बनाने का जो कारण था वो एक ही था, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक की थोड़ी प्रॉब्लम थी, यानी यहाँ पर मीटर लगा हुआ नहीं है और इसको फिर बिना बिजली का हम यूज़ भी नहीं कर सकते थे, जिसके कारण हमने इलेक्ट्रिक मोटर हटा करके इंजन इस्तेमाल किया है। आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, कार वॉशर भी और ये कंप्रेसर भी, दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं हमने कैसे इसको बनाया है। तो इसमें टंकी 500 पाउंड की ली हुई है, आप छोटी भी ले सकते हैं इसके अंदर, पर हमारे पास 500 पाउंड की थी जिस पर हमने ये जुगाड़ बनाया। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये जो फ्रेम देख रहे हैं अलग से लोह वाली, ये हमें अलग से बनाना पड़ा, क्योंकि ये इसके ऊपर जो कार वॉशर लगा हुआ है, ये इसके बीच में इतनी जगह नहीं है, इंजन और कंप्रेसर के बीच में इतनी जगह नहीं है कि कार वॉशर भी इसमें एडजस्ट किया जा सके, जिसके कारण ये अलग बनाना पड़ा। और दोस्तों जो इंजन देख रहे हैं, ये पैशन प्रो का सेल्फ स्टार्ट इंजन है, क्योंकि इसमें किक स्टार्ट हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि किक तो देख रहे हैं वो दीवार की तरफ जा रही है और किक लगाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है, जिसके कारण हमने ये सेल्फ स्टार्ट इंजन यूज़ किया है। और जो देख रहे हैं इसकी फाउंडेशन, इसमें दोस्तों इस पर काफ़ी बारीकी से काम करना है, क्योंकि जब अगर फाउंडेशन को थोड़ा वो रखेंगे, कमज़ोर रखेंगे, यानी कहने के मतलब सिर्फ नीचे के बोल्ट पर इंजन को डांटेंगे तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा करेगा, दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा ये। और फ्रेंड्स ये जो पीछे बैक साइड में देख रहे हैं ये येलो बॉक्स, इसके अंदर हमने टोटल इसका कंट्रोल सिस्टम रखा गया है। मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ खोल के, ये देखिए इसके अंदर दोस्तों हमने बैटरी, फ्यूज, CDI, RR कॉइल, ST कॉइल वगैरह सब, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक सिस्टम रखा है जो इंजन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको आगे और दिखाते हैं। और जो ऊपर देख रहे हैं ये पेट्रोल टैंक देख रहे हैं, और दोस्तों ये पेट्रोल टैंक हमने इस्तेमाल किया है प्लेजर का, जो हीरो की जो प्लेजर होती है, एक्टिवा का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने लगाया है ताकि पेट्रोल यहीं कहीं नज़दीक के नज़दीक इसी के साथ ही हो जाए, आप चाहें तो ऊपर लगा सकते हैं, और साथ ही इसके अंदर जो पेट्रोल बताने वाली जो मशीन होती है वो भी आप जोड़ सकते हैं, पर हमने इसमें लगाई हुई नहीं है। और दोस्तों साथ में आपको जो ये रोड नज़र आ रही है जो बीच में जो खड़ी है ये वाली, ये दोस्तों गियर लीवर है, क्योंकि आपको डायरेक्ट वैसा जो सिंपल गियर लीवर यूज़ करेंगे इसके अंदर तो वो फैन बेल्ट मार करके यहाँ पर फंस जाएगा दोनों तरफ, और गियर आप हाथ भी नहीं डाल सकते यहाँ से, क्योंकि चलते समय गियर डालते ही फैन बेल्ट अचानक से घूमेगी तो आपके हाथ वगैरह में चोट लग सकती है। तो जिसके कारण हमने क्या किया, गियर लीवर कटवा करके इसमें एक रॉड वेल्डिंग करवा दिया है, जिसके इजीली आप गियर डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं बहुत ही आसानी से। और दोस्तों जो इसको जुगाड़ को स्टार्ट करने के लिए जो मेन स्टार्टर बटन है वो हमने ऊपर लगाया है यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बोर्ड इस्तेमाल किया है, जिसमें हमने टोटल 3 बटन इस्तेमाल किए हैं। जो ग्रीन वाला देख रहे हैं ये वाला है स्टार्ट करने के लिए, इंजन को स्टार्ट करेंगे, और जो अगर इंजन ऑफ करना होगा तो वो रेड वाले से होगी, और जो बीच वाला आपको बटन देख रहे हैं दोस्तों ये मेन स्विच है इसका, मान लो अगर रात को हम वर्कशॉप बढ़ा करके जाते हैं तो इसको ऑफ करके जाएंगे, क्योंकि ये क्या है कि अगर ऑन रह जाएगा तो इसकी जो बैटरी लगी हुई इसके अंदर वो बैटरी वीक हो जाएगी, तो ये हमें ऑफ करके जाना होता है। तो दोस्तों ये जो हो गया है, और आपको मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों स्टार्ट करने के बाद इसकी एक्सीलेटर कंट्रोल कैसे करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं ये हमने जुगाड़ बनाया हुआ है, आप अपने तरीके से बना सकते हैं, पर हमने ये बनाया हुआ है क्योंकि ये साइड में जो पिस्टन की पिन है ये वाली, ये देखिए ये साइड में से काटी हुई है, ये देखिए काट रखी है ताकि जब स्लो RPM पे करनी होती है तब हम इसको नीचे कर देते हैं यहाँ पर, ये देखिए, और जब स्टार्ट करने के बाद हाई RPM पे करने होते हैं तब इसको ऊपर कर देते हैं, तो इससे RPM इसके बढ़ जाते हैं। तो ये हमने फिक्स की हुई है दो जगह पर। और साथ ही दोस्तों स्टार्ट करने के बाद आपकी इसमें साउंड की समस्या बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी, तो वो कम करने के लिए हमने क्या लगाया, इसका साइलेंसर इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर, ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, पीछे इसके साइलेंसर लगा रखा है ये देखिए, ताकि ज़्यादा आवाज़ ना आए, क्योंकि जो बिना साइलेंसर के बहुत ज़्यादा पटर पटर आवाज़ आती है, बहुत ही लाउड हो जाती है, वो दिक्कत करती है, यानी काम भी नहीं कर पाते, यानी दिक्कत आती है काम करने में। दोस्तों ये जो आप फैन बेल्ट देख रहे हैं, ये फैन बेल्ट फिलहाल ये कंप्रेसर में डली हुई है, जैसे अगर हमें कंप्रेसर चलाना होता है तो कंप्रेसर में चला सकते हैं, अगर हमें कार वॉश चलाना होता है तो हम कंप्रेसर की ईजिली आसानी से फैन बेल्ट उतार देते हैं, और ये फैन बेल्ट आसानी से इस तरफ कार वॉशर में डल जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यानी दोनों का सेम साइज़ हमने इस हिसाब से सेट की हुई है कि दोनों में एक ही फैन बेल्ट ये यूज़ में आ जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब ये कार वॉशर चल जाएगा आसानी से, अगर हमें कंप्रेसर चलाना होगा तो ये फैन बेल्ट इसमें डाल देंगे। तो चलिए आपको फाइनली आपको चला के और दिखा देते हैं ये काम करता कैसा है। और दोस्तों जो एयर कंप्रेसर, जो हवा का जो हमें लेवल देखना होता है कि हवा कितनी भर गई है, कितनी प्रेशर है हवा के अंदर इसके अंदर,
तो आप सामने देख रहे हैं, ये सामने से लगाई हुई है, प्रेशर जो गेज होता है वो सामने लगा हुआ है, जिससे हम आसानी से देख सकते हैं कि कितनी टंकी के अंदर कितनी हवा है। तो चलिए आपको फाइनली स्टार्ट करके चला कर वो दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आपको कार वॉशर चला के दिखाएंगे, जो बाइक धोने वाली जो मशीन होती है। तो चलिए सबसे पहले बाइक के इंजन को स्टार्ट करेंगे। इसके आरपीएम बढ़ाने पड़ेंगे तो याद है। तो ये यहाँ पर चल रहा है इस तरह से। तो दोस्तों आपने देखा ये कैसे काम करता है काम। तो मैंने आपको गाड़ी धोने वाली मशीन तो चला करके दिखा दी है, और आपको अब कंप्रेसर चला के और दिखा देते हैं। तो हमें क्या है, फैन बेल्ट यहाँ से उतारनी पड़ेगी और इस तरफ चढ़ाएंगे। और फ्रेंड्स ये जो इसका इंजन है, इस टाइप से इसकी वायरिंग की हुई है। अगर ये गियर में रहेगी तो ये स्टार्ट नहीं होगी, इसको वापस न्यूट्रल करना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल जो गियर लीवर दिख रहा है ये इसलिए लगाया हुआ है ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। ये क्या है कि गियर में अगर स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा लोड लेगी। मान लो चौथे गियर में डली हुई है और इसको गियर सेल्फ स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट नहीं हो पाएगी, प्रॉब्लम करेगी, जिसकी वजह से हमने ये जुगाड़ इसका बनाना पड़ा। तो चलिए फैन बेल्ट डाल दिया और आपको दिखाते हैं इसको स्टार्ट करके। सबसे पहले करेंगे स्टार्ट हो चुका है, और गियर डालें। तो दोस्तों जो ये हमने जुगाड़ बनाया है आपको कैसा लगा कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। और साथ ही फ्रेंड्स ये जो पीछे का जो ये नज़र आ रहा है कार्बोरेटर का जो पीछे का हिस्सा, इसमें अगर आप एयर फिल्टर का बना देंगे कुछ भी जुगाड़, तो इसके क्या होगा कि इसमें एक तो इंजन सेफ हो जाएगा और साथ ही इसकी साउंड थोड़ी सी और कम हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।